चलिए शुरू करते हैं रसगुल्ले बनाने। रसगुल्ले बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाशनी बनानी है। तो चाशनी बनाने के लिए हम गैस को ऑन कर लेंगे, भगोने को गर्म होने देंगे थोड़ा सा, और इसमें मैं तुरंत डाल दूंगी आधा गिलास पानी। और जितना पानी डाला है ठीक उसी की डबल चीनी, मैंने आधा गिलास पानी डाला है, अब मैं इसमें एक गिलास चीनी डाल दूंगी। और अब हम इसे जब तक ये अच्छे से घुल नहीं जाए तब तक थोड़ा थोड़ा चलाते जाएंगे। अगर आपकी चीनी गंदी है तो आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं, जिससे कि जो भी आपकी चीनी में डस्ट वस्ट होगी वो ऊपर आ जाएगी, आप उसे हटा लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर, सिर्फ इतना, एक पिंच इलायची पाउडर मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मैं 6-7 पत्तियां केसर की इसमें डाल दे रही हूँ, जिससे कि हमारी चाशनी में हल्का सा कलर आ जाएगा। इसे धीरे धीरे चलाएंगे, गैस को सिम कर देंगे जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। एक तार की चाशनी हमें बनानी है, तो हमें थोड़ी देर बाद देख लेंगे हम इसको कि इसमें एक तार बनने लगा है या नहीं। तो धीमे धीमे ऐसे हम पकने देते हैं। तो अब हम बनाएंगे पाउडर वाले दूध से पनीर, क्योंकि हम इसमें पनीर डालने वाले हैं खोए में। तो चलिए हम शुरू करते हैं, गैस को ऑन कर देते हैं और 2 गिलास पानी ये मैं इसमें डाल दूंगी। दो गिलास पानी में हमें 10 चम्मच पाउडर डालना है, मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से आज हम पनीर बनाएंगे और इस पनीर को हम खोए में मिक्स करेंगे। अब हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे, जिससे कि इसमें लंप्स ना पड़े, गांठें ना पड़े, और हमें इसे धीरे 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 चलाना है। और जैसे हम नॉर्मल दूध को बॉइल करते हैं अच्छे से, वैसे ही हमें इसे भी बॉइल करना है। इसको हमें धीरे धीरे तक चलाते रहना है, जिससे कि इसमें गांठें नहीं पड़ेंगी, और फिर हम इसको फाड़ के पनीर बनाएंगे। देखिए हमारा दूध उबल गया है अच्छे से, अब हम इसे फाड़ लेंगे। आप चाहें तो नींबू से फाड़िए और आप चाहें तो इसे विनेगर से फाड़ लीजिए। मैं इसमें आज विनेगर से इसे फाड़ रही हूँ, तो मैं 2 चम्मच विनेगर इसमें डाल दूंगी। और हमें गैस को तेज कर देना है, इससे कि ये जल्दी फट जाएगा। और चलाते रहना है हल्के हल्के से। देखिए ये हमारा अच्छे से फट गया है दूध, और इसका हम पनीर बना लेंगे। ये जो छेना बना हुआ है इसे हमें पनीर नहीं बनाना है, बस इसको यूं ही छन्नी में छान लेंगे और हम अपने खोए में मिक्स कर देंगे। तो ये फट चुका है, अब इसे हम थोड़ा सा गैस को तेज कर देंगे, और ये जब अच्छे से बिल्कुल अलग हो जाएगा तो हम इसे थोड़ा ठंडा करने रखेंगे। देखिए ये फट गया है अच्छे से, और जो पाउडर वाला दूध होता है उसका पनीर भी बहुत टेस्टी बनता है, वो बिखरता भी नहीं है, और ज़्यादा सब्जी वगैरह में आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा उस पनीर में स्वाद आता है। तो अब इसे अब थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से हमारा पनीर फट चुका है, अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे छलनी की सहायता से किसी में छान लेंगे दूसरे बार। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स अच्छे से ये फट गया है, अब मैं इसे छान लूँगी। और अब हम इसे छान लेंगे। देखिए 10 चम्मच में इसमें 200 ग्राम पनीर बनके तैयार हो गया है। अगर आप इसे फ्रिज में रख देंगे तो ये पनीर हो जाएगा, और इसे ऐसे ही हम मावे में मिक्स कर लेंगे तो हम इसके रसगुल्ले बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सादा पानी डाल देंगे, जिससे विनेगर का जो खट्टापन है ना वो हट जाए। हल्का हल्का सा स्पून से
से हम इस पानी को निचोड़ देंगे और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है पनीर पाउडर वाले दूध का। तो आप पाउडर वाले दूध से चाहें तो पाउडर वाले दूध से बना लीजिए, और आपके पास अगर घर का दूध भैंस का है तो आप उससे बना लीजिए। ये हमारा छेना बनके तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसे खोए के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको छेना जो हमने बनाया है इसको हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, और हाथ से ऐसे ऐसे हल्का हल्का मसल लेना है। मैंने खोआ भी घर पे ही बनाया है, तो जिस हिसाब से हमारे पास खोआ है ठीक उसका आधा हमें ये छेना डालना है उसमें। तो मैं इसको अभी इतना निकाल के रख लूँगी, इसे हम साइड से कर लेंगे। आपको याद रखना है कि अगर आपके पास 200 ग्राम खोआ है तो आप उसमें 100 ग्राम छेना डाल देंगे। अब ये हमारा खोआ है, खोआ में बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, एकदम चिकना रखना है, इसलिए हम इसे भी हाथ से अच्छे से मल लेंगे। और अगर आपका खोआ फ्रिज में रखा हुआ है तो इसे आप थोड़ी देर पहले निकाल के रख लें। इसमें भी गांठें नहीं होनी चाहिए, एकदम चिकना होना चाहिए। आज आपके दूधबिल्ले ना तो फटेंगे और ना ही टाइट होंगे, क्योंकि जब हम रसगुल्ले बनाते हैं तो कभी कभी टाइट हो जाते हैं और कभी वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि वो चाशनी में जाके बिखर जाते हैं। इसलिए हम इसके सारी गांठें ख़त्म कर लेंगे अच्छे से मल के, क्योंकि अगर हमारे खोआ चिकना नहीं होगा हमारा तो हमारे रसगुल्ले फट सकते हैं। और ये बहुत ही इजी और आसान तरीका है, आप घर पर दूध से पनीर बना लें और खोआ बना लें, और अगर नहीं है तो आप मार्केट से दोनों चीज़ें मंगा के सिर्फ 10 मिनट में रसगुल्ले बना सकते हैं। और अगर आपका खोआ ज़्यादा टाइट है तो आप कद्दूकस से उसको कद्दूकस कर सकते हैं, एकदम स्मूथ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल लूँगी ये छेना जो हमने छेना तैयार किया था, वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें डाल लेंगे 1 बड़ी चम्मच या 2 टेबल स्पून मैदा, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो हमारे रसगुल्ले टाइट हो जाएंगे। हमें ये याद रखना है, अगर आपने 200 ग्राम खोआ लिया है तो 100 ग्राम छेना लेंगे और 50 ग्राम मैदा। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका ये डो हल्का सा गीला है तो आप इसमें मैदा ऐड कर ले थोड़ी सी, इसे बस बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, नहीं तो खोए का घी और पनीर का घी अलग अलग होने लगेगा और फिर हमारे रसगुल्ले नहीं बनेंगे। तो बस हमारा ये बनके तैयार है डो। देखिए हमारी चाशनी बनके तैयार है एक तार की। जब हम इस तरह से इसको चाशनी को गिराएंगे तो जो लास्ट बूंद गिरेगी उसमें एक पतला सा तार निकलेगा, इसी से हम समझ जाते हैं कि ये हमारी चाशनी बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए, और नहीं तो हम इसको ऐसे करके देख लेंगे और हमारी चाशनी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। तो अब हम इसे साइड से रख देंगे और हम सेक लेंगे रसगुल्ले। अच्छे से कढ़ाई को साफ कर लेंगे और इसमें डाल लेंगे रिफाइन, आप चाहें तो रिफाइन में डालिए और आप चाहें तो इसे घी में भी सेक सकते हैं। देखिए हमें अपनी कढ़ाई में इतना ऑयल रखना है कि हमारे रसगुल्ले जो हम डालेंगे इसमें सेकेंगे तो वो इसमें बिल्कुल नीचे टच ना करें, थोड़ा ऊपर ही रहें, इसलिए हम इसमें ज़्यादा ऑयल डालेंगे। आप रिफाइन में बनाएं तो रिफाइन में, नहीं तो आप देसी घी में भी बना सकते हैं। अब हम ये गोलियों को बना लेंगे, छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। इसमें मैं इतनी छोटी छोटी बनाएंगे, हल्के हल्के हाथ से बीच में हथेली से बिल्कुल हम इसे चिकना कर लेंगे, हल्का सा दबाएंगे। और इसमें हम, आप चाहें तो इलायची रख दीजिए, चाहें तो मिश्री दाना, और नहीं तो पिस्ता या केसर भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने एक छोटा सा
कट करके पिस्ता और थोड़ी सी इलायची डाली हुई है। अब हम इसको और थोड़ा दबा देंगे और इसको हल्के हल्के हाथ से फिर से गोल कर देंगे। इसी तरह से हम सारी गोलियां तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो गोल गोल बनाएं और आप चाहें तो इसे इस तरह से लंबे वाले रसगुल्ले बना सकते हैं। तो चलिए अब हम सेक लेते हैं अपने रसगुल्ला। इसको बड़े ही संभाल के डालना है और आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी ये फटे नहीं। इनको हल्के हल्के हाथ से करना है, धीरे धीरे सारे रसगुल्ले डाल लेने हैं। गैस को सिम कर देना है क्योंकि ये धीमे धीमे गैस पे ही आपको सेकने हैं। बस कढ़ाई में ऑयल अच्छा होना चाहिए ज्यादा। और हमें ऐसे हिलाते रहना है जिससे कि नीचे की तरफ से हमारे रसगुल्ले ऊपर आ जाएं और वो ज्यादा ब्लैक नहीं हो जाए। उनको टच नहीं करना है, बस ऐसे हिलाते रहना है। साइड साइड से ऑयल हिलेगा तो अपने आप वो सिक जाएंगे। और हमें याद रखना है कि हमारी चाशनी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो, क्योंकि रसगुल्ले तुरंत सेक के हम उसमें डालेंगे तो चाशनी हमारी नॉर्मल गर्म होनी चाहिए। देखिए कुछ रसगुल्ले हमारे सेक चुके हैं। अगर आपको ब्लैक वाले चाहिए तो आप इनको ब्लैक कर दीजिए और आपको लाइट ब्राउन चाहिए तो आप लाइट ब्राउन निकाल लेंगे इनको। देखिए हमारे ये रसगुल्ले बिल्कुल सॉफ्ट हैं, आप टच करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें डाल देते हैं चाशनी में। ये मैंने पतली चाशनी थोड़ी बनाई हुई है, अभी मैंने इसको थोड़ा और गाढ़ा करके रखा हुआ है हाफ बाउल में, तो वो मैं थोड़ी देर इसमें डालने के बाद उसमें इनको डाल दूंगी। ये थोड़ी सी मैंने ज्यादा गाढ़ी चाशनी बना के रखी हुई है और जब उनमें अच्छे से चाशनी अंदर तक चली जाएगी फिर मैं ये ड्राई फ्रूट्स वाली चाशनी में उन रसगुल्लों को डाल लूंगी।